अब नींद से जागी है या सोची समझी रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग के बाद ये तय है कि राजस्थान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आएगा। ऐसे में बीजेपी के नेता कांग्रेस की आग में घी डालने वाला कदम उठा रहे हैं। एक महीने की नीम खामोशी के बाद बीजेपी के नेता अचानक हरकत में आए और 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों को दिए गए इस्तीफे पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के दरवाजे पर पहुंच गए और स्पष्टीकरण मांगा। पर केंद्र सरकार की भी त्याग पत्रों की जो लड़ी लगी थी वो स्वीकार हुए थे और भी स्टेट में जो इस प्रकार की मंशा से जितने त्याग पत्र दिया उनका स्वीकार हुआ। नियमों के तहत ये बात है कि निर्णय जो है ना वो अध्यक्ष जी के द्वारा ही आउट होता है। मैं सोचता था हमने इंतजार किया कि अध्यक्ष जी का कोई निर्णय आ जाएगा, लेकिन निर्णय जब नहीं आया और असमंजस की स्थिति में राजस्थान झूल रहा है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि सरकार की स्टेटस क्या है वो अध्यक्ष जी के निर्णय पर निर्भर। देखिए इस्तीफे का हमने साफ कहा है, या तो ये पाखंड है और हकीकत है तो स्पीकर को इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए। स्वेच्छा से दिए गए थे, पब्लिक डोमेन में जिसकी चर्चा हुई लिखित में दिए गए हैं, उस पर हस्ताक्षर हैं और ऐसी स्थिति में राजस्थान में लगता है कुछ संवैधानिक मशीनरी का फेल्योर है। ये समय था कि जब तक निर्णय कर लिया जाना चाहिए था और आज हम लोग इसलिए स्पीकर के यहाँ गुहार लगाएंगे। मुझे लगता है स्पीकर संवैधानिक निर्णय लेंगे। मिले स्पीकर महोदय का निर्णय क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। आप मानते हैं कि अल्पमत में सरकार अभी सामने? देखिए सरकार तो दिख रही है अल्पमत में, सरकार बटी हुई भी है और सरकार का एक धड़ा यानी कि यदि आप बहुमत से फैसला करते हैं तो सरकार 20 लोग तो चला नहीं रहे क्योंकि 90 लोग जो उन्होंने कहा कि 102 का बहुमत हमारे साथ में है तो 91 लोग जैसे कहा जाता है 90-91 लोगों ने इस्तीफा दिया है। इतने बड़ी तादाद में सरकार अल्पमत से आई जाती है। स्थानांतरण उद्योग को बड़ी बेखूबी से सरकार के वो मंत्री चला रहे हैं जिन्होंने विधायक के रूप में त्याग पत्र दिया। ये दोहरा मापदंड क्यों? हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है स्वेच्छा से जिन्होंने त्याग पत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं का नियम 173(2) के तहत आपके पास ये विवेक तो है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें और या वो नौटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफ़ी मांगे। ये दोनों काम नहीं हो सकते। आप मंत्री के रूप में ट्रांसफर में चांदी भी कूट रहे हो और आप सत्तारूढ़ दल के विधायक के रूप में जिला कमेटियों में भी जा रहे हो और त्याग पत्र का नोटंकी भी कर रहे हो। क्यों नहीं कहते कि हमने त्याग पत्र गलती से दे दिया इसलिए हम आज इनके पास आए हैं। और मैं समझता हूं जिन्होंने आलाकमान को अपनी आलाकमान को ललकारा अब वो बैकफुट पर है। हम मजबूर करेंगे कि राजस्थान की जनता से वो माफी मांगे और निर्णय करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा मैं ऐसा निर्णय दूंगा जो हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर उस निर्णय की को नजीर बने। ये काम कर रहे हैं अब स्पीकर के घर आके इस्तीफा देकर गए, बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगह इस्तीफा लेते हुए स्वीकार कर रहे हैं। इस्तीफे के ऊपर जो प्रारूप आया उसके ऊपर सब विधायकों के हस्ताक्षर है, मंत्रियों के हस्ताक्षर है, तो निर्णय करना चाहिए। आप उन विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, विधानसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार अगर वो इस्तीफे स्वीकार करने योग्य है तो उनको स्वीकार करना चाहिए और सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और अगर इसमें स्वीकार करने योग्य नहीं है तो स्पीकर को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी। गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर शामिल रहे, लेकिन इन दिनों खासी सक्रियता दिखा रही वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आई। पिछले दिनों बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं पहले स्पीकर को उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर तो सरकार शुद्ध के खिलाफ युद्ध चला रही है और दूसरी ओर सरकार खुद मिलावट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।